नमस्कार। आज मैं अपनी पसंद की एक कविता आपको सुना रही हूँ। शीर्षक है शर्मनाक हादसों के गवाह। हम जो हमारे समय के सबसे शर्मनाक हादसों के चश्मदीद गवाह लोग हैं। हम जो हमारे समय की गवाही से मुकरे, डरे, सहमे, मरे से लोग हैं। हमारे माथे सीधे सीधे इस सदी के साथ हुई घोर नाइंसाफी को चुपचाप देखने का संगीन इल्ज़ाम है। हमने अकीदत की जगह किए हैं सिर्फ और सिर्फ कुफ्र। हमने अपने समय के साथ की है दोगली साजिशें। हमने अपने हिस्से की जलालत पहुँच ली है पसीने की तरह। और घूम रहे हैं बेशर्म मुस्कुराहटों के साथ दोहरी नैतिकता लिए हम सिल रहे हैं चिथड़े हुए यकीन के पैरहन उदासियों, मायूसियों और नाकामियों के लिहाफ। कि ढक सके अचले सपनों के चेहरे। हमने अपने होठों पर जड़ ली है एक बेगैरत सी चुप्पी। बड़ी ही बेहयाई से दफना दी है जिंदा सवालों की पूरी फहरिस्त। हमने अपने तालों पर चिपका लिए हैं चापलूसी के गोंद और सुखरू हो चले हैं कि हमने सिखा दी है आने वाली नस्लों को एक शातिराना चुप्पी और सुखरू हो चले हैं कि हमने सिखा दी है आने वाली नस्लों को एक शातिराना चुप्पी। हम थोक पीट कर आश्वस्त हो चले हैं कि मर चुके सभी सवाल, पर हम भूल गए हैं कि असमय मरे लोगों की तरह ही असमय मरे सवाल भी आ जाते हैं प्रीत योनि में। और भूत प्रेत की तरह ही निकल आते हैं व्यवस्था के मकबरों से मंडराने लगते हैं चमगादड़ों की तरह हमारी चेतना के माथे पर। हम भूल जाते हैं कि कितनी भी चिंदी चिंदे कर ले, बिखेर दे तमाम हादसों के दस्तावेज, वे तैरते रहते हैं अंतरिक्ष में शब्दों की तरह। हम भूल जाते हैं कि कितनी भी चिंदी चिंदी कर बिखेर दे तमाम हादसों के दस्तावेज, वे तैरते रहते हैं अंतरिक्ष में शब्दों की तरह। हम भूल जाते हैं कि शब्द नहीं मरते। वे दिख जाते हैं जलावतन किए जाने के बाद भी, वे दिखते रहते हैं हमारे समय के दर्पण में। जिन्हें हम अपनी सहूलियत, महत्वाकांक्षाओं और लोलुपताओं के षड्यंत्र में दृष्टि दोष कर खारिज कर देते हैं।
जिन्हें हम अपनी सहूलियत, महत्वाकांक्षाओं और लोलुपताओं के षड्यंत्र में दृष्टि दोष कह खारिज कर देते हैं, हम जो हमारे समय के सबसे शर्मनाक हादसों के चश्मदीद गवाह लोग हैं। शुक्रिया।